हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। एंड अगर बच्चों पुराने वीडियोस को देखना है, ऊपर आई बटन पे दिया गया है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है बच्चों, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स रिस्पांस में आज हमें बहुत ही अच्छा सा एक कमेंट देखने को मिला है बच्चों, कि जो तुम्हारा एक क्लासमेट क्लासमेट टॉप किया है वो भी यहीं से स्टडी कोच से पढ़ के। सो क्लैप फॉर दैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो तुम भी इस तरह से पढ़ाई करो एंड तुम्हारा मार्क्स यहां पर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड ये चैप्टर के बाद बच्चों, हम लोगों का चैप्टर 14 कंप्लीट होने के बाद कौन सा चैप्टर हम शुरू करेंगे ये भी कमेंट सेक्शन में अभी तुरंत लिख के बताओ बच्चों। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एंड और एक जो अपडेट था बच्चों, तो स्टडी कोच चैनल और एक व्हाट्सएप पे खोला गया है, तो व्हाट्सएप पे जाओ एंड फॉलो करो बच्चों, जिससे जब भी वीडियो पोस्ट किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें व्हाट्सएप पे मिल जाएगा बच्चों। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लेट अस प्रैक्टिस 14.8। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो यहां पर देखो क्या बोला गया है। नंबर वन, इज द डॉटेड लाइन ए लाइन ऑफ सिमेट्री, राइट? यस और नो? क्या ये सिमेट्री है? सिमेट्री मतलब क्या, बता देता हूं बच्चों। सिमेट्री मतलब हमें कोई भी चीज का इक्वली आधा करना होता है। ये साइड आधा रहेगा, ये साइड आधा रहेगा, दोनों साइड आधा रहेगा, उसे कहा जाता है हम लोगों का सिमेट्री। तो इस तरह का चीज हमें ड्रॉ करना है और उसे हम कट करना है, जिसे हम बीच से इक्वली काट के दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए। ओके, सो सिमेट्री क्या है? कोई भी एक पूरा चीज को दो इक्वल पार्ट में काटना, कोई भी एक चीज को दो इक्वल पार्ट में काटना, उसे कहा जाता है सिमेट्री। तो ये ट्राइंगल क्या ये सिमेट्री है? ये ऐसे दिया है बस, इसका मुंडी का इतना काटा है, क्या ये आधा आधा हो रहा है दोनों तरफ से? नहीं। तो हम क्या लिख लेंगे, वन का ए, कि नहीं ये सिमेट्री नहीं है, नो। नेक्स्ट बी, वन का वो क्या दिया है, इस तरह से डब्बा दिया गया, अगर ऐसे काटता तो सिमेट्री होता, आधा आधा होता, और ऐसे ऊपर से काटता तो आधा आधा होता, बट वो ऐसे भी नहीं काटा, तो ये वाला क्या होगा, वो टेढ़ा काटा था, डायगोनल थोड़ा काटा था, तो वो भी क्या हो जाएगा, नो। ओके, नेक्स्ट सी, सी को वो क्या किया है, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो यस ये वाला क्या है, इक्वल पार्ट में होगा, तो इसे मैं लिख दूंगा यस, कि हाँ ये सिमेट्री है, बिकॉज ये दो इक्वल पार्ट में काट रहा है। नेक्स्ट ए दिया गया है, ए को मिडिल से काटा तो दोनों साइड क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, सो ए क्या है, सिमेट्री है, यस, तो हम लिख लेंगे यस, बिकॉज ये एक सिमेट्री है। ई का क्या दिया है, बी, बी को ऐसे बीच से काटने से दो इक्वल पार्ट आ रहा है, सो यस इट इज ऑल्सो सिमेट्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एफ, एफ का क्या बोला है, एम, तो इसको भी बीच से काटने से देखो दोनों साइड सेम आ रहा है, सो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, यस। नेक्स्ट जी, जी को क्या बोला है, इस तरह से के दिया है, बीच से काटा, तो दोनों साइड देखो सेम आ रहा है, ऊपर नीचे सेम आ रहा है, तो ये भी क्या है, सिमेट्री है, तो हम लिख लेंगे यस इट इज सिमेट्री। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 14.8 का नंबर टू। उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड कोई भी अगर डाउट है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल, व्हाट्सएप पे भी जाओ, व्हाट्सएप पे भी हमें फॉलो करो, जिससे जब भी ये वीडियोज यहां पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें वहां पर मिल जाएगा, तेजी से तुम एक्सेस कर पाओगे वीडियोज को बच्चों। एंड अगर कोई भी डाउट रहेगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड उसी के साथ मैं दे रहा हूं तुम्हें ये होमवर्क, कि सिमेट्री क्या है मुझे ये बताओ। होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सिमेट्री क्या है। मैं जस्ट अभी बताया कि टू इक्वल हाफ्स को कहा जाता है सिमेट्री, तो सिमेट्री क्या है मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ बच्चों। सो नंबर टू का ए क्या है ना, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, तो ये वाला सभी को पता है ये क्या है, ये पता है, आई नो तुम लोगों को पता है ये क्या है, हार्ट है, तो इसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला गया, तो हमें सीधा काटना है, तो इस तरह से इसे काटना है। ओके, तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए बच्चों। नेक्स्ट टू का बी,
ये क्या दिया, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे कट करेंगे, वर्टिकल लाइन बोला है बच्चों। वर्टिकल लाइन मतलब क्या है बच्चों, सीधा लाइन, इस तरह से। वर्टिकल्स मतलब क्या है, सीधा, तो हमें इसे सीधा ही काटना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में ही काटेंगे। ये एक बार मेजर कर लेना, तुम्हारा जब भी कॉपी में ड्रॉ करोगे, अगर ये 10 सेंटीमीटर का होगा उसका आधा कितना होगा, 5, तो 5 सेंटीमीटर से ऐसे लाइन खींचना, दोनों साइड बराबर होना है, ये दोनों साइड बराबर होना है। ओके, मेजरमेंट में तो हमेशा बीच से कट करना, वर्टिकली बोला है इसलिए हम सीधा काटते हैं। ओके, फिर बोलोगे सर इसे तो हम ऐसे भी काट पाते, ऐसे काट पाते, बट ये रहोगे बिकॉज ये होरिजेंटल हो जाता है, हमें बोला गया है वर्टिकल, तो वर्टिकल मतलब ऐसे सीधा, तो हमें सीधा ही काटेंगे ये वाला, इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 का सी, वो इस तरह से फिगर दिया है। ओके, तो इसको हमें क्या बोला, वर्टिकली काटने बोले, तो इस तरह से हम वर्टिकली काट देंगे बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, एंड अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। नेक्स्ट 3 का ए, अभी देखो हमें क्या बोला है, ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री करना है। तो ये एरो कुछ इस तरह से है, इसे ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे काटने से तो सिमेट्री नहीं हो रहा, दोनों साइड सेम नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे काटूंगा, ऐसे काटने से इसे, इस लाइन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, उसको इस तरह से काटा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट 3 का बी, इसका कुछ इस तरह से होगा, इसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली काटने के लिए बोला गया है बच्चों, तो इसे हम इस तरह से काट देंगे, तो ये क्या होगा, इक्वली हॉरिजॉन्टली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 3C, इसका क्या दिया है, कुछ इस तरह का शेप्स दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली काटेंगे, कुछ इस तरह से काटेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो इतना ही था हम लोगों का 14.8। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स, एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड फर्दर अगर कुछ भी डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ।